लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू होने के बाद अब पार्टी प्रमुख मायावती भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मैदान में उतर आई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गुरुवार को बीजेपी और आरएसएस के गढ़ नागपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। ईद के मौके पर आयोजित इस रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलती कार्यशैली की वजह से धीरे धीरे सत्ता से बाहर हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांशीराम जी के निधन के समय कांग्रेस सत्ता में थी और उसने एक दिन भी कांशीराम के सम्मान में शोक घोषित नहीं किया था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू होने के बाद अब पार्टी प्रमुख मायावती भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मैदान में उतर आई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गुरुवार को बीजेपी और आरएसएस के गढ़ नागपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। ईद के मौके पर आयोजित इस रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलती कार्यशैली की वजह से धीरे धीरे सत्ता से बाहर हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांशीराम जी के निधन के समय कांग्रेस सत्ता में थी और उसने एक दिन भी कांशीराम के सम्मान में शोक घोषित नहीं किया था।